हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसी एक्सरसाइज लेके आई हूँ जिसको सिर्फ आपको मॉर्निंग में ही नहीं करना, आप किसी भी टाइम कर सकते हो, क्योंकि बहुत किसी के पास टाइम नहीं होता है कि वो सुबह सुबह एक्सरसाइज करे या किसी भी तरह का ऐसा वर्कआउट करे जिससे उनका वजन कम हो। तो आज की जो वर्कआउट है आप किसी भी टाइम कर सकते हो, खाना खाने के बाद भी कर सकते हो और इससे अपने पूरे शरीर के वजन को कम कर सकते हो। लेकिन ये है कि खाना खाने के तुरंत बाद आपको नहीं करना है, कम से कम 20 से 25 मिनट के बाद आपको करना है। ये नहीं कि खाना खाए, प्लेट रखे, तुरंत एक्सरसाइज करने लगे, ऐसा नहीं। कम से कम 20 से 25 मिनट आपको रुकने के बाद आप इसे कर सकते हैं, क्योंकि खाना खाने के बाद वो एक्सरसाइज, भारी एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए, ज़्यादा उछल कूद वाला एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए, या फिर ऐसा कोई एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए जिससे पेट पर जोर पड़ता हो। क्योंकि हम खाते हैं, तुरंत पेट पर अगर भार पड़ेगा, जोर पड़ेगा तो वो नुकसान करेगा। लेकिन आज मैं जो एक्सरसाइज बता रही हूँ बिल्कुल सिंपल है और स्ट्रेच भी होगा आपका बॉडी, और इसको खाने के बाद आप कर सकते हैं, इससे कोई नुकसान नहीं होगा, आपका डाइजेशन भी अच्छा रहेगा, आपका पेट भी अच्छे से साफ होगा। तो ये ऐसी एक्सरसाइज है जो आप कभी भी किसी भी टाइम कर सकते हो, अपने घर पे खाने के 20-25 मिनट बाद भी कर सकते हो, और इससे अपने पूरे शरीर के मोटापे को बहुत इजी और आसानी से कम कर सकते हो। तो चलिए हम लोग इस वर्कआउट को स्टार्ट करते हैं और अपने पूरे शरीर के मोटापे को, उसके लिए आपको इस तरह से आराम से खड़ा हो जाना है और अपने हाथों से इस तरह से आपको बना करना है। तो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इस तरह से आपको 10th बार करना है। फिर इस साइड से सर्कल बनाना है, इस साइड से अब करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरह आपको 10 बार दोनों साइड से करना है, 10 बार इस साइड से हाथ घुमाना है, फिर 10 बार इसके उल्टी साइड। उसमें आपको क्या करना है, अपने पैरों को इतना फैला देना, अपने कंधों के बराबर, बिल्कुल ज़्यादा नहीं, अपने हाथों को इस तरह करना है और बिल्कुल आराम से आपको इस तरह से आना है, और ऐसे आके फिर इस तरह से अपने पैर के एड़ियों को उठाना है पीछे से और पैर के पंजों पर इस तरह से खड़ा होकर अपने बॉडी को स्ट्रेच करना है। तो इस तरह से आप 10th बार आपको करना है, जैसे इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरह से आपको करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, उसमें आपको क्या करना है, इस तरह से आराम से खड़ा हो जाना है, अपने दोनों हाथों को इस तरह आगे की ओर, लेकिन आप पैर एक पैर पीछे की ओर इस तरह से, और 10th बार करना है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरह से आप 10th बार कर सकते हैं। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें आपको क्या करना है, अपने पैरों को इस तरह थोड़ा फैला लेना है, जितना हो सके आराम से आप फैला सकते हैं उतना फैला लेना आपको, और यहाँ पे जैसे हाथों को रखना और इस साइड से, और बिल्कुल आगे से आपको नहीं झुकना है, इस तरह से बिल्कुल कान के ऊपर से अपने दोनों हाथों को इस तरह से लेके आएंगे। बिल्कुल कोई कोई होता है जैसे सिर के आगे से हाथों को करते हैं, तो उस तरह आपको नहीं करना है, बिल्कुल आपको अच्छे से करना है। तो इस तरह से रखना है और यहाँ से कान के ऊपर से अपने हाथों को लेके आना है। तो इसको भी हम 10th बार करेंगे, आप चाहो तो 20 से 30 बार भी कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आप खाना खा के कर रहे हो तो आपको ज़्यादा नहीं करना, 10 से 20 बार ही करना, उससे ज़्यादा आपको नहीं करना। अगर आप खाली पेट होते हो तो आप ऐसा कर सकते हो, या खाना खाने के 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, तब आप स्पीड कर सकते हो, या फिर आप अगर खाना खाए हैं और 20-25 मिनट हो गया है तो आप इस तरह से सिंपल 10 से 20 बार कर सकते हैं। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, उसमें आपको क्या करना है, इस तरह पैरों को उठा के और पैरों से इस तरह पकड़ के थोड़ा सा अपने और इस तरह से दबाना है, जैसे 1 फिर इसे उठा के 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इस तरह आपको करना है, ये भी बिल्कुल सिंपल है, आराम से पैरों को लेना है, इस तरह से करना है 10th बार। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, उसमें आपको क्या करना है, आराम से इस तरह खड़ा होना है, अपने दोनों हाथों को इस तरह करना है और हाथों को थोड़ा टाइट रखेंगे इस तरह से, और ये एक्सरसाइज आपके हाथों के मसल्स को टाइट बनाती है। तो इस तरह से रखना और इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस तरह से करना, आपको क्या करना है, इस तरह से बैठना है ब्रज आसन में, और खाना खाने के बाद ऐसे भी ब्रज आसन में बैठना चाहिए 5 मिनट के लिए जरूर, जैसे खाते पीने के तुरंत बाद ही आप ब्रज आसन में 5 मिनट के लिए बैठ सकते हैं। तो आप इस तरह से बैठ जाएं, और अगर आपको इस तरह बैठने में दिक्कत होती है तो आप पालथी मार के जैसे बैठा जाता है सिंपल, आप ऐसे पलथियाँ मार के भी बैठ के कर सकते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, एक हाथ को नीचे रखना है और एक हाथ को अपने कान के ऊपर से इस तरह से लेके आना है, जैसे इस तरीके से 1, इसे भी 10th बार करना है, दूसरे साइड से भी पूरा जितना आप झुक सकते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इस तरह आपको करना है, और अगर आपको इस तरह बैठने में दिक्कत हो ब्रजासन में तो आप सिंपल इस तरह से बैठकर पलथिया मार के बैठ जाएं, और फिर आप इस तरह से हाथों को रखें और इस साइड से पीछे से घूमना है इस तरह से, फिर एक हाथ नीचे फिर इस साइड से, तो ऐसा भी आप 10th बार कर सकते हैं। अगर आपको उस तरह से बैठने में दिक्कत हो तो सिंपल इस तरह से बैठकर कर लें एक्सरसाइज। उसमें आपको क्या करना है, इसी तरह से बैठना है ब्रजासन में, दोनों हाथों को आपस में इस तरह से जोड़ लेना है और इस तरह से थोड़ा पीछे की ओर इस तरह से टाइट करेंगे, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस तरह से आप कर सकते हैं, फिर आराम से रिलैक्स। उसमें आपको क्या करना है, आराम से इस तरह से बैठ जाना है, दोनों पैर को इस तरह आपस में जोड़ के, तलवों को हाथ से इस तरह पकड़ के, और इस तरह से आपको करना है, कंधों को बिल्कुल सीधा रखना है, ऐसे इस तरह से कंधा आपका बिल्कुल सीधा रहेंगे, इसे तितली आसन भी बोलते हैं। तो इस तरह से आपको 10th बार करना है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ऐसा आप 10 से 20, 30 बार कर सकते हैं, मैं 10th बार बोल रही हूँ। और इस तरह से अपने पैरों को जब ऊपर की ओर इस तरह उठाते हैं थोड़ा नीचे की ओर, तो इस तरह से आप कर सकते हैं बिल्कुल आराम से, ईजी है, आप एक ही जगह बैठ के कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को आज की मेरी एक्सरसाइज कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और जो बेल बटन आता है उसे प्रेस कर दें ताकि मैं जो नेक्स्ट वीडियो डालूँ आपको मिल सके। ओके, बाय, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।